और ऐसा बहुत कम बार होता है कि कार्यक्रम में जब भी हम लोग कुछ बातें रखना चाहते हैं तो वो आखिरी वक्त होता है, और आखिरी वक्त तक चूंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है हम समझते हैं, तो कोई भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फिर बातें धरी की धरी रह जाती है। अक्सर स्कूल स्टार्ट किए हम लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे साल पर है हम लोग। इस बीच में कई तरह के ऐसे सवाल, कई तरह की ऐसी बातें जो आसपास में या हमारे पास सीधे तौर पे आती है, जिसको लेकर के हम चाहते हैं कि एक जनरल बातचीत आप लोगों के बीच में इन चीजों को लेकर के रखा जाए। मैंने इस इलाके से अब तक जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हमारी पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को एक अच्छा मजदूर बनाने का है। हम में से बहुत कम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश हो कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बने। हम सबको एक अच्छा मजदूर चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, एलकेजी में पढ़ रहा है या मैट्रिक में पढ़ रहा है, और गार्जियन को अभी से फिक्र हो गया है कि मेरा बच्चा कमाएगा क्या, कैसे कमाएगा, क्या पढ़ने से अच्छा कमाएगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने बच्चों को इंसान की रत्ती भी नहीं बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को वो मजदूर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अच्छा दिहाड़ी कमाए, और ये किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा इंसान बनाएं, वैसा इंसान जो हर एक चीज के प्रति काफी लॉयल हो, काफी नेक हो। और ये तालीम, ये तरबियत एक बेहतर स्कूलिंग से आ सकती है। कई गार्जियन, मैं ये दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं कि मास्टर साहब हमारा बच्चा 3 महीने से पढ़ रहा है या 4 महीने से पढ़ रहा है, तो उनकी किताबें इतनी छोटी छोटी क्यों, वो 1 साल में सिर्फ ABCD ही क्यों पढ़े। हम तो घर में उसको ऐसे जब तक 1 महीने में याद करवा देंगे, और आप लोग उसको 1 साल तक ABCD पढ़वा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बारीकी को समझना पड़ेगा। आप उनको मात्र तालीम दे सकते हैं, स्कूल वह जगह होता है, एक मदरसा स्कूल या वैसा एजुकेशन सेंटर वह जगह होता है जहां ना सिर्फ तालीम पर कोशिश की जाती है, तालीम पर जोर दिया जाता है, बल्कि तरबियत पर साथ ही साथ जोर दिया जाता है। एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल से नीचे है, 7 साल से नीचे है, आप उसको क्या याद करवाना चाहते हैं? अगर आप उसको याद भी करवा दीजिएगा ए से लेके जेड तक, आप उसको अगर याद भी करवा दीजिएगा जनवरी से लेके दिसंबर तक, संडे से लेके मंडे तक, तो आप कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहे। वो बच्चा जब फिर से 8 साल अपना क्रॉस करेगा तमाम चीजें भूल जाएगी, वो टाइम पीरियड मेमोरी में तमाम चीजें उनका रिकॉर्ड हो रहा है। आपका एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, अगर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक याद है, आपको संतुष्टि जरूर मिल सकता है उससे, लेकिन वो उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बातें फिट होगी जब उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, एक 8 साल की उम्र के बाद, तब जाकर के उनको जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें उनको समझ में आएगी। उससे पहले एक गार्जियन होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि 8 साल तक हमारे बच्चे जरूरत से ज्यादा खुश रहे। क्योंकि बाबू वहां रुको ना, आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ। जब भी हम लोग, हमारे बीच में जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें बहुत कम ताकत होती है, लेकिन आप याद करिए कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई कुत्ता पीछे पड़ता है, कोई और ऐसी मुसीबत आन पड़ती है, तो उस समय आपकी ताकत कितना लगता है, आपको खुद का एहसास नहीं होता है कि आपके पास इतनी भी ताकत थी कि आप इतना भाग सकते हैं। कहां से आया? हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म सिस्टम है जो हमें यह बताता है कि हमें कब, कैसा और कितना करना चाहिए। अब जब एक नॉर्मल आदमी है तो हर कुछ अंदर का हर एक चीज सही तरीके से चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमें डर लगता है, जैसे हमारे शरीर को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तमाम तरह का काम रुक करके सिर्फ एक काम चल रहा होता है, वो है डर से लड़ो, डर से भागो। तो अब आप एक बच्चे की परवरिश अगर डंडे की चोट पर कर रहे हैं, जो बच्चा हमेशा जिंदगी में डर के सहारे में जी रहा है कि मेरा बाप आ जाएगा, मेरी माँ मुझे मारेगी, लोग देख लेगा तो क्या कहेगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो बच्चा जो हर रोज डर के साए में जिंदगी जी रहा है, वो बच्चा जो हर रोज डर में पड़ रहा है, उसकी जिंदगी को आपने जहन्नुम बना दिया, बर्बाद कर दिया। वैसे बच्चों की जिंदगी कभी सफल नहीं हो सकती है।
तो गार्जियंस को ये बात सोचने की जरूरत है कि जब तक एक बच्चा 8 साल 9 साल कम से कम क्रॉस ना कर जाए, उन्हें डरा धमका करके उनकी परवरिश ना हो, उन्हें डर के बुनियाद पर कोई चीजें ना सिखाई जाए, उनसे जितनी मोहब्बत की जा सकती है कीजिए, उन्हें जितना खुश रख सकते हैं आप रखिए, इससे कोई भी बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट अच्छा होता है और उसकी शारीरिक जो तमाम उसका जो मैंने बताया ना कि शरीर में हर एक काम करते रहना होता है, तो जब ये बच्चा हमेशा डर में रहेगा तो वो डर से लड़ने का काम करेगा हमेशा, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आएगा जो अपनी जिंदगी में वो कुछ बेहतर कर सकेगा। आपको अगर यकीन नहीं होता है, हो सकता है कि आपके घर का ही बच्चा, जिस दिन घर में आप ना हो, बच्चे की अम्मी ना हो, वो बच्चा अगर उस दिन भी गलती कर देता है, उस दिन अगर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है, उस दिन अगर तौर तरीकों को भूल जाता है, तो आपको अपने परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। आपको समझ जाना चाहिए कि अब तक जो भी आपने अपने बच्चों को सिखाया था और उन्होंने जो सीखने का ढोंग किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह था, वो था डर। क्योंकि आप जब अब्सेंट हुए तो उनका डर खत्म हुआ और फिर वो क्या हो गया, जो उनको मर्जी, जो उनको समझ में आ रहा था उन्होंने किया। से तैयार किया हुआ इज्जत, डर के बुनियाद पर तैयार किया हुआ जानकारी, ये तब तक ही रहेगा जब तक उनको लगेगा कि सामने वाले को मेरी जरूरत है। तमाम बहुत सारे लोग डिसिप्लिन का एक अलग मतलब समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा तो मुझे बहुत ज्यादा इज्जत करता है, थर थर कांपता है। शर्म करना चाहिए, थर थर कांपने के लिए गार्जियन नहीं है, गार्जियन प्यार बांटने के लिए है। क्योंकि वो डिसिप्लिन जो है वो डर के बुनियाद पर है, वो इज्जत और मोहब्बत के बुनियाद पर नहीं है। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश रहेगी कि एक स्कूल को पता है, अगर एक स्कूल चल रहा है, एक बड़ी टीम है हम लोगों की 15-16 लोगों की, हम लोग हर महीने अपनी बैठक करते हैं, हम लोग तय करते हैं कि इस महीने में हम लोगों ने क्या किया, अगले महीने में और बेहतर क्या कर सकते हैं, कौन सा बच्चा कमजोर जा रहा है, अब्सेंट क्यों हो रहा है बच्चा, तमाम चीजों पर हम लोग रेगुलर हर महीने चर्चा करते हैं। हमारे पास हर रोज क्लास में हमारे पास एक डाटाबेस तैयार होता है हर एक सब्जेक्ट का, कि कौन सा बच्चा कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, उन्होंने टास्क कैसा दिखाया, 50%, 10%, 100%, एक एक टीचर इसका मार्किंग करता है, वो हम लोग कर रहे हैं, हमको पता है आपने हम पर जिम्मेदारी दिया है। तो बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हर चीजें एक साथ नहीं मिल सकते। आपका 5 साल का बच्चा को हम एक महीने में मैट्रिक नहीं करा सकते हैं, बच्चे का उम्र मैट्रिक का जो एक जनरल उम्र है वो 15 साल है। तो हम अपने एक तरीके से, अपने एक सिस्टम से, मैकेनिज्म से बच्चों को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात बोल करके मैं अपनी स्पीच को समाप्त करना चाहूंगा। कई तरह की बातें हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग प्रोग्राम पर, एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, हम लोग प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। प्रोग्राम का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पर हर शनिवार को कार्यक्रम होता है, बच्चों को एक जगह किया जाता है और उन बच्चों से कुछ ना कुछ सुना जाता है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि बच्चे स्टेज पर खड़ा होकर के अपने तमाम स्कूल के बच्चों के सामने में कुछ बोले, उससे उनके अंदर जो बोलने के लिए जो डर होता है वो डर खत्म होगा, 10 लोगों के बीच में अपनी बातें रख पाएगा, ये हमारी कोशिश होता है। और इसी चीजों को हम लोग एग्जामिन करने के लिए हर 3 महीने पे 4 महीने पे छोटा छोटा इवेंट करा देते हैं स्कूल में, ताकि बच्चों ने जो अपने से सीखा है, जो उनको लगा है कि हम सीख रहे हैं, अब 10 लोगों के बीच में उसमें बोलने की हिम्मत आती है कि नहीं। इस बात को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप लोग इतना प्रोग्राम क्यों करते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग को यहाँ पर बच्चों, हमारे पास कोई सोनू निगम टाइप का बच्चा नहीं है कि उनका गाना सुन करके हमें बहुत मजा आ रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के फील्ड में अगर मजबूत बन रहा है तो हमारे बच्चे बोलने में भी पीछे ना रहे, कहीं पर खड़ा कर दिया जाए तो उनके पास भी बोलने के लिए हजारों शब्द हो, और इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो आप लोग कमरा देख रहे हैं ये हमारी लाइब्रेरी है, इलाके में किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर हजारों किताबें रखा हुआ है, जो इलाके का कोई भी आदमी यहाँ से किताबें इशू करा करके लेकर के जा सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं। यकीन मानिए, जो कौम, जो समाज किताबों से दूर होगा, उनका जो आज की स्थिति है उससे भी जिल्लत की जिंदगी वो जिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप अगर पक्का मकान को तरक्की समझते हैं, आप अगर पक्की सड़कों को तरक्की समझते हैं, तो गफलत से, गफलत के नींद से बाहर आइए, ये तरक्की नहीं है। तरक्की अगर आपको देखना है कि हमने कितना तरक्की किया है, तो देखिए और फिक्र करिए कि हमारे इलाके में हर साल 20 से 25 शादी
होने से पहले तलाके होता है हमारे इलाके में हर साल। मैं तीन चार पंचायतों के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हर साल दसों लड़कियां जहर खा के मर जाती है। हमारे इलाके में हर साल कई प्रवासी मजदूर जो बाहर में दिन रात एक करने के लिए मजदूरी करने के लिए गए हैं वे लोग मारे जाते हैं। हम लोगों को उसमें बदलाव लाना है। आपका घर बन गया ये बदलाव नहीं है, वो मजदूरी से बन सकता है, एजुकेशन से समाज बदलता है। और समाज को बदलते हुए तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चौतरफा चीजों को समझना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा, और दुनिया को समझने के लिए चीजों को पढ़ना पड़ेगा। डिजिटल इलिटरेसी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। डिजिटल इलिटरेसी से मतलब आज के डेट में स्मार्टफोन सबके पास है, यूट्यूब सभी को चलाता है, फेसबुक सभी को चलाता है। मैं गार्जियंस को बहुत ज्यादा देखा हूँ, बच्चा रो रहा है, बच्चे से तंग आ गया गार्जियन, उनसे छुटकारा पाने के लिए लो बेटा मोबाइल लो, देखो अब वो चुप। बच्चा पैदा करना आपकी वो जिम्मेदारी नहीं थी, ये क्या कर रहे हैं आप बच्चे के साथ? जो यूट्यूब आपने उस बच्चे को पकड़ा दिया, क्या आप समझ पाए कि उस यूट्यूब में किस तरह का एड आएगा, प्रचार आएगा? क्या आप इस बात को तय कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जो वीडियो आपने लगा के दिया उसके बाद कौन सा वीडियो आएगा? हर उम्र के लोगों के लिए वहां पर वीडियो है। तो ये चीज आपको तय करना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है। वही बच्चा जब बड़ा होकर के आपको गालियां देगा तो आप कहिएगा अच्छी परवरिश नहीं हुई, तालीम नहीं हुआ, आप घर में क्या कर रहे हैं? तो गार्जियन को जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसके बाद भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इस दौर में सबसे ज्यादा पहले कम से कम आपके पास ये कंट्रोल था कि आपके बच्चा किनके साथ खेल रहा है, कहां क्या देख रहा है। आज तो आपको पता भी नहीं है मोबाइल लेने के बाद बच्चा क्या क्या देख रहा है, उन पर उसका क्या असर पड़ सकता है। तो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे बच्चे क्या देखें आपको तय करना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे गलती से यूट्यूब में कुछ अलग चीजों पर चले जाते हैं तो आपको अपनी जो संतुष्टि है उससे बाहर आना पड़ेगा, और आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मेरे मोबाइल में यूट्यूब हो ही नहीं। बात खत्म। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर पैसा खर्च कर सकते तो बच्चों के लिए बहुत सारे तरह की यूट्यूब आता है, अगर नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल से यूट्यूब को हटाइए, क्योंकि उसी यूट्यूब को आप देख रहे होते हैं। आपकी उम्र 35, 40, 50, 60 हो सकता है, तो यूट्यूब को पता है कि आपका उम्र 50 साल है, तो उनको पता है कि आपको कौन सा प्रचार दिखाना है। अब जब आपने वही मोबाइल अपने बच्चों को दे दिया तो उनको नहीं पता कि ये 10 साल के बच्चे के हाथ में है मोबाइल, तो अब भी उसी उम्र के हिसाब से प्रचार दिखाएगा, अब भी उसी उम्र के हिसाब से वो वीडियोस का सजेशन भेजेगा। तो आपका बच्चा जो 10 साल का है वो नफरत सीख रहा है मोबाइल के माध्यम से, आपका बच्चा जो 10 साल का है, 5 साल का है, वो मोबाइल के माध्यम से बहुत गंदी चीजें सीख रहा है, और आप कह रहे हैं मेरा बच्चा वो सीख नहीं रहा है। फिक्रमंद बनना पड़ेगा। एक बच्चे की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए अगर एक तरफ एक शिक्षक शिक्षिका स्कूल जिम्मेदार है, तो उससे ज्यादा जिम्मेदार है हमारे गार्जियन। हमारे गार्जियन को भी इन मामलों में सीखना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो वक्त को दोष मत दीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो उसी यूट्यूब में, जिस यूट्यूब में आप दिन भर गाना सुन रहे हैं, चिल्लाने वाली खबरों को सुन रहे होते हैं, इधर उधर की गंदी चीजों को सीख रहे होते हैं, वही उसी यूट्यूब में आपको बताएगा कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। बस बस सही चीजें आपको खोज करके निकालना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो एक गार्जियन होने के नाते आप लोगों को ये जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा जब बर्बाद होना शुरू होता है तो वो बचपन से शुरू होता है, फिर वो जब बड़ा होते जाएगा वो आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो तय करिए कि आपका बच्चा कैसा बनेगा, डर के बुनियाद पे नहीं, डर के बुनियाद पे बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बातें यहीं पर विराम देता हूँ, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिले तो और भी बातें हम लोग करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण पे या फिर हमारा इलाका कितने डार्क एरिया में जा रहा है, उन चीजों पे बात करेंगे। आप लोगों ने काफी शांति से धैर्य रखकर के सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।